गुरुवार को पूरे सीमावर्ती प्रखंड क्षेत्र में अक्षय नवमी का त्यौहार धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान सभी गांवों व कस्बों में औषधीय गुणों से परिपूर्ण आंवला वृक्ष की विधिवत पूजा अर्चना कर उसके नीचे भोजन तैयार कर ग्रहण किया गया। इस खास दिन को आंवला की चटनी निश्चित रूप से खाने का चलन है। ऐसी मान्यता है कि आंवला वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है और इस विशेष तिथि को आंवला वृक्ष में सभी देव देवताओं का आगमन होता है। इसलिए इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना से व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं और विशेष पुण्य का लाभ मिलता है। इस दिन द्वापर युग का भी आरंभ हुआ था, इसीलिए यह विशेष महत्व रखता है। शुभ मुहूर्त वाले इस दिन को विभिन्न प्रकार के शुभ कार्यों के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को यह अनन्य पर्व मनाया जाता है। इस दौरान शाम होते ही गांवों में आंवला वृक्ष के नीचे महिलाओं की टोलियां भोजन बनाने में जुट गई, जहां विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर आंवला वृक्ष को परोसा गया। फिर ब्राह्मण भोजन के पश्चात प्रसाद स्वरूप श्रद्धालुओं द्वारा वही भोजन ग्रहण किया गया। पौराणिक परंपरा है कि आंवला पेड़ के नीचे भोजन बनाकर वही ग्रहण करने से शरीर को एक नई ऊर्जा और पौष्टिकता मिलती है।